अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त एक ड्राइव चल रही है जो कि प्लांटेशन ड्राइव है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इन कोलाब्रेशन विद फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा किया हुआ है। इनसे जानना चाहेंगे कि आज ये किस तरह, क्योंकि हमें लग रहा है, लोगों को लग रहा है कि ये ऑफ सीज़न है, आपके मुताबिक ये कौन सा सीज़न है? देखिए सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसके तहत आज हम ये प्लांटेशन कर रहे हैं। ये जे एंड के ग्रीन प्लांटेशन ड्राइव है। चूँकि कॉनिफर प्लांट्स हम लगाते हैं, ये किसी भी वक्त फ्रूटफुल होते हैं, किसी भी वक्त हम लगा सकते हैं। इसका ये नहीं है कि कोई सीज़न हम देखेंगे, ये आज भी हम लगा सकते हैं, बिल्कुल ये उग सकते हैं। आज इस वक्त ये कि हमारी पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर आपने लगाया है, ये क्या, इस पर किसका कब्ज़ा रहेगा? क्या लोगों का रहेगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का? बिल्कुल ये लोगों का ही है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोगों के लिए ही हर कुछ करता है। जहाँ तक हमारा सवाल है कि लोगों का यही मानना है कि हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके अलावा हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे हम क्लोजर्स बांधते हैं, उसमें से घास फुटर हम देते हैं, लोगों को ही फ़ायदा होता है। इसीलिए हम ग्रीन प्लांटेशन के तहत हम किसी भी जगह, किसी भी इंस्टीट्यूशनल, इसको हम इंस्टीट्यूशनल प्लांटेशन कहते हैं, कोई ग्रेवयार्ड हो या ईदगाह हो या कोई स्कूल हो, कोई मकतबा हो, किसी भी जगह हम लगा सकते हैं। बिल्कुल लोगों का ही फ़ायदा होता है इसमें, और एनवायरनमेंट का भी फ़ायदा होता है। बिल्कुल, इस वक्त जो आपने यहाँ पर लगाया, यहाँ पर आपको लोगों ने भी साथ दिया, क्या लग रहा है आपको कि लोग किस तरह से आपका साथ दे रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, लोग ऐसे प्रोग्राम करने से लोग बिल्कुल खुश होते हैं। हमारे साथ इस वक्त में ये 5 मेंबर है यहाँ इस वार्ड के, कलारूस पंचायत के, इन्होंने भी बहुत सराहा इस प्रोग्राम को कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। अभी भी हम कर रहे हैं, बिल्कुल ये मुहिम चल रही है, हम हर जगह ये कर रहे हैं। अभी हमने ईदगाह में भी लगाने हैं, किसी स्कूल में भी लगाने हैं, जहाँ भी कोई पब्लिक प्लेस हो, जहाँ जहाँ हमें लगे कि यहाँ पौधे लग सकते हैं, हम लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या लोग आपको बुला सकते हैं इस बारे में, अगर किसी इंस्टीट्यूशन को ज़रूरत होगी इस चीज़ के बारे में, क्या उनको आप दे सकते हैं ये? हाँ बिल्कुल, हमारा एक दूसरा प्रोग्राम आ रहा है जिसमें हम हर पंचायत को 700 प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो हमारा आने वाला प्रोग्राम है, वहाँ बिल्कुल सरपंच साहबान से बात करके हम उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। चूँकि बिल्कुल वन विलेज वन बीट गार्ड प्रोग्राम के तहत हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल फ्रूट बियरिंग प्लांट्स होंगे, हम सरपंच साहबान के थ्रू पूरे इलाके में लोगों को वो दे रहे हैं, जिससे वो उनको फ़ायदा होगा। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। फारिश साहब, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? आप कितना, आपने ये कितने प्लांट्स यहाँ पर लगाए, थोड़ा सा इसकी जानकारी थोड़ा आगे? क्लारूस ब्लॉक के लिए 450 प्लांट लाए हैं ग्रीन प्लांटेशन ड्राइव के लिए। वो मुख्तलिफ जगहों में लगाने हैं, क्योंकि मुझे 14 हलके यहाँ हैं। यहाँ भी एक जगह ये जो है मुंतखब किया गया, लोगों ने किया है, हमने इसमें आज तकरीबन 50 प्लांट्स लगाए हैं। इंशाल्लाह कल यहाँ जो ईदगाह है उसमें भी तकरीबन 100 प्लांट लगाएंगे कल। 100 प्लांट लगाने का प्लान है हमारे यहाँ पर ईदगाह करार, उसके अंदर जो कि मरकजी जामिया मस्जिद है उसके मुतसिल जो ईदगाह है, वहाँ पर आपका प्रोग्राम है कि 100 प्लांट्स लगाने का। इंशाल्लाह कल हम वहाँ भी लगाएंगे। तो ये कितनी जल्दी ग्रो कर पाते हैं, जैसा कि ये सबसे बड़ा हो जाता है, इसको कितने साल लग जाते हैं? तकरीबन ये 40 साल तक बड़ा होता है। अच्छा अच्छा, तो इसका इस वक्त यही है कि ऑक्सीजन हमें मुहैया करता है, तो लकड़ी की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि जब ये लकड़ी के काबिल हो जाएंगे तब तक तो इसमें 40 साल लग सकते हैं। फिलहाल तो ये हमें ऑक्सीजन दे पा रही है, ऑक्सीजन भी देगा और खूबसूरती भी अच्छा लगेगा इसमें। ये जाएगा माजी शरीफ, इससे रौनक आ जाएगी इन पेड़ों से, थोड़ा खूबसूरती भी मिलेगा इसमें। शुक्रिया सर हमारे यहाँ पर ये प्लांटेशन करने के लिए। तो नाज़रीन, आप देखते रहिए अल हिंद ग्लोबल न्यूज़, मैं आपका मेज़बान रही शमीर।